हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज ट्रिगो की फोर्थ क्लास आपके सामने आ रही है। और बच्चों, आज फोर्थ क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने आने जा रहा है। और ये जो टॉपिक्स अब शुरू होंगे वो आपके उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड पे होंगे जो पीछे हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले किए थे। अच्छा, अब उन्हीं फॉर्मूलों के अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूं और उसको ऐड करने के बाद आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी आसान किस्म से समझेंगे। जैसे मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लूंगा और साथ ही साथ आपको कुछ टाइप बताऊंगा, तो वो समझिए। पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। प्यारे बच्चों, हमने क्वाड्रेंट वाली एक चीज पढ़ी थी, ठीक है? और हमने ये बात की थी भाई कि क्वाड्रेंट के अंदर जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 के एंगल से 180 के एंगल के बीच में होता है, और जो प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 से लेके 270 के बीच में होता है, और प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट किसके बीच में? 360, 270 से 360। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे 90 का ही ग्रोथ हो रहा है। और मैंने आपसे यही बताया था कि ना ही आप 90 से ज्यादा ऐड कर सकते हैं और ना ही आप 90 से कम ज्यादा माइनस कर सकते हैं। दोनों केस में ऐसे ही है, चाहे आपको क्वाड्रेंट के पीछे जाना हो तब भी माइनस 90 से ज्यादा नहीं, आगे जाना हो तब भी आप 90 से ज्यादा ऐड नहीं, ठीक है? चलिए, तो ये बातें हमने सीखी थी और हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। तो बच्चों, हमने ये छोटी सी बातें सीखी थी, ठीक है? और मैंने ये इसके 48 फॉर्मूलेज आपको करवाए थे। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे। और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने वो जितने भी फॉर्मूले हैं उस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देख के अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और बच्चों, मैं आप लोगों को ये बात बार बार कहना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से प्लीज कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको आपके 6 नंबर तक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी हेल्प करेगा। तो इसलिए प्लीज इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको फॉर्मूले आपके टिप्स पे याद हो, ठीक है? तो चलिए, ये हमने रिवीजन कर ली। अब मैं एक एक करके बच्चों क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? अब इन क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए कि भाई आखिरकार हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा साइन 120 डिग्री, ठीक है? अच्छा, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं एक चीज और कर देता हूं। आप लोगों ने अपने 10th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी बच्चों, टेबल, अगर याद हो। नहीं याद है तो मैं याद कराता हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है? जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, ठीक है? यही था। अच्छा, जीरो जीरो था 30, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, 1, उसके बाद यहां पाएंगे 1√3/2। ये सब आपको पता ही है कैसे हुआ था, ठीक है? इसको इतना ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। टेन टेन किससे मिलके बनता है? साइन कॉस से। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, ये इनफिनाइट। फिर कॉट किसका उल्टा है? टेन का, तो ये इनफिनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। सेक किसका उल्टा है? कॉस का, 1 2/√3, √2, 2 इन्फिनाइट। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का, इन्फिनाइट, 2 √2, 2/√3, 1, यही है।
तो बस आपको बस ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके बाद तो काम खत्म। अब आप लोगों के सामने मैंने क्या लिखा बच्चों, साइन 120 डिग्री, मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब प्यारे बच्चों, इस साइन 120 डिग्री को आपके फॉर्मूलों के तरीके से मैं सॉल्व कराता हूं। आपको पता है क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है और समझना है और उसको सॉल्व करना है। जरा देखिए कैसे, आपके सामने बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इसको दो तरीके सॉल्व करके दिखाता हूं। तरीका नंबर फर्स्ट यहां पे, तरीका नंबर सेकंड यहां पे। तरीका कोई सा भी हो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं साइन 120 डिग्री को 90 प्लस में 30 लिख दूं तो क्या ये गलत होगा? होगा या बिल्कुल सही होगा ना? क्यों? क्योंकि 90 प्लस में 30 कितना होता है भाई, 120 होता है। अच्छा, अब लास्ट ईयर मेरे से एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर अगर मैं इसे 80 प्लस 40 लिख दूं तो क्या दिक्कत है? तो बच्चों दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आप फिर उसको सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल होगी। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी आप इसको ऐड करें, माइनस करें, कुछ भी करें, हमेशा 90 के साथ करें। मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे वो इसीलिए लिखवाए थे ताकि 90, 180, 270 और 360 के केस में जाओ आप। केस आपको ऐसा ही बनाना है, आपको हमेशा केस ऐसा बनाना है जिसमें 90 दिखे, या तो 180 दिखे, या तो 270 दिखे, या 360 दिखे। केस हमेशा ऐसा ही बनाना है। तो भाई मैंने 120 को 90 के लिए केस बनाना चाहा, तो 90 के साथ कितना ऐड करूं कि 120 हो जाए? तो 90 प्लस 30। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। देखिए ये 90, ये 0, ये 180, ये 270, ये 360। 90 प्लस थीटा, हाँ जी, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन 90 है तो चेंज होगा किस में? कॉस में। और ये आ गया कॉस थीटा, तो कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। लो भाई आंसर आ गया। तो यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितना इजी है। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? मैंने क्या बताया था, या तो उसे 90 में ले जाओ, या तो उसे 180 में ले जाओ, या तो उसे 270 में ले जाओ, या तो उसे 360 में ले जाओ। अच्छा अब बच्चों, क्या मैं 120 डिग्री को 180 माइनस 60 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि 180 में से 60 जाएगा तब भी तो 120 आएगा ही आएगा। अच्छा अब 180 में माइनस करोगे तब भी तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा मेरे बच्चों, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, 180 है तो नो चेंज, तो क्या बनेगा ये? नो चेंज मतलब साइन का साइन, और 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। क्या मेरे किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अगर नहीं समझ में आया, एक और देखो, ये लेते हैं टेन 225 डिग्री, टेन 225 डिग्री, ठीक है। इसको भी मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फर्स्ट सेकंड। अच्छा 225 डिग्री, अगर मैं इसे भाई 270 में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई ये 270 और 180 के बीच में, तो क्या मैं 270 में से 45 माइनस करूंगा तो 225 नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। मैंने आपको क्या बताया, आपको सोचना किसके हिसाब से है, या तो 90 के हिसाब से, या तो 180 के हिसाब से, या तो 270 के हिसाब से, या तो 360 के हिसाब से। आपको सोचना इन्हीं चारों में है। तो भाई मुझे तो दिख रहा है ना कि भाई 225 जो है वो नियर बाय किसके है, या तो 180 के नियर बाय है, या तो 270 के नियर बाय है, क्योंकि 90 से तो बहुत दूर हो जाएगा, 360 से तो भी बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक शर्त रखी है कि ना ही 90 से ज्यादा ऐड करेंगे, ना ही 90 से ज्यादा माइनस करेंगे। तो देखो जो माइनस हो रहा है वो कितना है, 45 है। पल्ले पड़ रही है बात। अच्छा तो बच्चों टेन 270 माइनस थीटा, हाँ जी
270 माइनस थीटा, 270 से माइनस करेंगे क्वाड्रेंट तो थर्ड आ जाएगा, और थर्ड में तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 270 है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1, आंसर इज 1। सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, 10 बाय 225 को क्या मैं 180 प्लस 45 लिख सकता हूं, तब भी तो बात वही है, ठीक है। अच्छा अब 180 में प्लस करोगे तब भी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, और थर्ड में तो भैया 10 की वैल्यू पॉजिटिव, और 180 है तो नो चेंज, ठीक है, तो यानी 10 का 10 रहेगा, और ये रहा 40 वैल्यू 1। तो बताओ कोई समस्या किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कितना इजी है, ठीक है, चलिए एक करके दिखाइए, ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये करके दिखाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया कॉस 315 डिग्री, चलो सभी बच्चे सॉल्व करो, चलिए तो ये सॉल्व तो कर ही लिया होगा, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, चलिए 315 है तो 315 270 और किसके बीच में आएगा, 360 के, तो यानी मैं अगर इसे कॉस 270 प्लस 45 लिख दूं तो 315 तो बन रहा है भाई, ठीक है। अच्छा 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन 270 है तो क्या होगा बच्चों, एज इट, सॉरी चेंज होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज होगा साइन 45, और प्यारे बच्चे साइन 45 कितना है, 1/√2, ठीक है। अच्छा अब आता है इसी का सेकेंड टाइप, कॉस कॉस 360 माइनस 45, ठीक है बच्चों। अब आप जैसे ही इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस 360 माइनस 45, और ये बन जाएगा 360 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, 360 है नो चेंज, और 45, और कॉस 45 भी प्यारे बच्चों कितना है, 1/√2। तो आप ये देखिए मेथड कोई सा भी लगाइए, मेथड कोई सा भी लगाइए, आंसर आपका ऑलवेज सेम ही होगा, और रियल बात बताऊं तो आप हमेशा पता मेथड कौन सा लगाइए जिसमें 360 बने और 180 बने, क्यों, चेंज करने का झंझट ही नहीं है, उठाया पुट किया लो जी हो गया काम। तो बच्चों मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, तो खासकर मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप अपने टिप्स पे एक बार अगर ढंग से सीख लें तो उसके बाद आपको ना प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज का दावा दे सकता हूं, अगर आपने ढंग से इसको एक बार कर लिया, एक बार आपको करना है, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और अगली बार आपको पता क्या करना है, होमवर्क जो करोगे तो अलग चीज है, अपनी क्लास के बच्चों की हेल्प करो, आपके क्लास के बच्चे अगर कहते हैं ना कि भाई मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है, उनको उसी वक्त बताओ, उनको सॉल्व करके दिखाओ कि ये लो, अरे भाई क्या तू मेरा दोस्त है यार, मेरा भाई है, ले फटाफट सॉल्व किया, इससे पता है क्या होगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार में ही ऐसा कर लोगे, उसके बाद जब आप बच्चों को सिखाओगे, अपने दोस्तों को सिखाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी मतलब पीक लेवल पे पहुंच जाएगी कि आप ट्रिग्नोमेट्री का एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करोगे, समझ रहे हो, अपने खुद के कंसेप्ट भी बना सकते हो, नई चीज तरीके भी बना सकते हो सीखने के, सिखाने के, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब ये एक क्वेश्चन अलग देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं कराता हूं, ये देखना। अब जैसे बच्चों मैंने ले लिया, मान लीजिए tan 330 डिग्री, ये लिया मैंने, की बार ध्यान से देखना इसको। अब बच्चों tan 330 डिग्री अगर ले लिया मैंने, तो इसको क्या मैं tan 360 माइनस 30 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अच्छा अब जब tan 360 माइनस 30 लिख दिया तो 360 में माइनस करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ। अब प्यारे बच्चों फोर्थ में 10 की वैल्यू कैसी होती है, भाई 10 की वैल्यू तो फोर्थ में माइनस होती है। लो जी अब एक नया नया कंडीशन आया, आया कि नहीं आया, क्या अब तक तो क्या था, हम वही चीज ले रहे थे जो उसके क्वाड्रेंट पॉजिटिव था, लेकिन अब हमने वो कंडीशन ली है जो किसी के क्वाड्रेंट में आके वैल्यू कैसी देता है, नेगेटिव।
लेकिन प्यारे बच्चों 360 होने की वजह से चेंज नहीं होगा, और ये रहा 30 माइनस 10, 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1/√3। क्या मेरे किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया, अगर किसी को फिर से देखेंगे। टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, प्रैक्टिस आपको यहीं पे ही करा दूंगा, उसके बाद आप जितने मर्जी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया कॉसेक, कॉसेक 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 क्या ले लें भाई, मान लीजिए, नहीं ये तो अलग हो जाएगा, मैं दूसरा ही ले लेता हूँ कोई। मान लीजिए मैं क्या ले लूँ, क्या ले लूँ, क्या ले लूँ, 240 ले लूँ, 240 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब कॉसेक 240 डिग्री आ गया, तो क्या मैं प्यारे बच्चों कॉसेक 240 डिग्री को 180 प्लस 60 लिख सकता हूं? लिखने को तो भाई 270 माइनस 30 भी लिख सकता हूं, लेकिन अपनी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहो तो, मैं तो ज्यादातर कहूंगा भाई कि आप ना 180 और 360 वाले में ही जाओ, ताकि चेंज करने झंझट ना रहे, ठीक है। अच्छा 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में तो कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, 180 है, चेंज तो होगा नहीं, ठीक, 60 यहां पे आएगा, तो ये माइनस अपनी जगह, कॉसेक 60 बस प्यारे बच्चों 2/√3, 2/√3, देखो कितना सिंपल है। क्लियर हो रहा सभी बच्चों को? तो बच्चों ये सॉल्व करना ना सही में बच्चों का ही खेल है, सही में ही बच्चों का ही खेल है। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी को क्या करना है, इसको समझ लेना है अच्छे से, और जो जो कराता जा रहा हूं बस उसको डिटेल में समझते चलो, ठीक है। चलो एक और हो जाए, चलो एक और देखते हैं, एक और करा देता हूं, उसके बाद बच्चों काफी सारे क्वेश्चन यहां लिख दूंगा मैं, वो आपको घर से करना है, ठीक है। मैं और कौन सा कर ले, एक काम करते हैं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया कॉट 135 ले, चलो 150 ले लेते हैं, 150 डिग्री, हाँ जी। अब बताओ क्या बनेगा इसका, बोलो बोलो क्या बनेगा बच्चों? हाँ कॉट, उसके बाद प्यारे बच्चे बोल रहे हैं 180 माइनस 30, बिल्कुल सही जवाब, वाह भाई वाह। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हो बच्चों आप? अच्छा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, 180 है नो चेंज, मतलब कॉट का कॉट 30, हाँ जी कॉट 30√3 आंसर आपके सामने, कोई दिक्कत? तो देख रहे हो कितना सिंपल है ही बिल्कुल इजी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं होमवर्क भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो मैं बस दो चार क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ताकि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब किस चीज पर आगे बढ़ते हैं हम, अब ना मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नेगेटिव एंगल फॉर्मूले, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या, आपने तो फॉर्मूलों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया, जो बड़े परेशानी सी हो रही है। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप देखोगे दुनिया आपकी मुट्ठी में, अभी देखना कैसे। ये लीजिए, क्या नाम बोला मैंने भाई, नेगेटिव एंगल फॉर्मूले, यही बोला है ना, ठीक है। नेगेटिव एंगल फॉर्मूले, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव दिखेगा भी। नेगेटिव एंगल फॉर्मूले से पहले मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहां से ये मतलब है कि जो एंगल दिया गया होगा ना, जैसे अब तक आप लिखते थे साइन 60 कॉस, ठीक है 90 ऐसे लिखते थे ना, माइनस में होगा, मतलब 60 की जगह माइनस 60, 90 की जगह माइनस 90, 30 की जगह माइनस 30, समझ रहे हो। तो इस तरीके के एंगल आपको अब सामने दिखाई देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जैसे अगर मैं कहता हूं साइन माइनस का थीटा, तो ये सॉल्व होके जानते हो क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। फिर इसी का उल्टा क्या है, कॉसेक माइनस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, माइनस का कॉसेक थीटा। इस तरीके से टेन माइनस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, माइनस का टेन थीटा। इसी का उल्टा कॉट माइनस थीटा, तो क्या बनेगा, माइनस का कॉट थीटा। तो इन चार को तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि नेगेटिव एंगल फॉर्मूला कहता है आपसे, क्या कहता है बच्चों आपसे, ये कहता है कि भाई अगर साइन माइनस थीटा है
कॉसेक माइनस थीटा है, टेन माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, तो उनका माइनस बाहर आ जाता है, यानी उनकी वैल्यू जो बनती है वो कैसी बनती है, माइनस में बनती है। यहां तक पिल्ले पड़ रही है आपको? लेकिन बच्चों अभी कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा रह रहा है, सही बात है? तो बच्चों कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो प्लस का कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का सेक थीटा होता है। तो ये दो अलग होते हैं और ये दो अलग होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का कारण होता है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों क्या रीजन है इसका? तो बच्चों इसका रीजन जब मैं आपको ग्राफ कराऊंगा ना कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन को कॉस को, तो ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार इसके नेगेटिव एंगल क्यों पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और उनके नेगेटिव एंगल क्यों नेगेटिव ही एंगल वैल्यू देते हैं। तो ये सारी बातें वहां मैं क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने सिर्फ फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है, आपको फॉर्मूला देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फटाफट इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपसे आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं। तो प्यारे बच्चों अब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज तो मिल चुकी है, किसके बारे में, कि हां जी नेगेटिव। अब मैं इसे भी मिटा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपको याद रहे कि हां जी वैल्यू किसकी कितने पे, कितने डिग्री पे कितनी वैल्यू है, ठीक है, मैं ये भी चाहूंगा। अच्छा अब जल्दी से जो नेगेटिव एंगल फॉर्मूले हमने सीखे हैं उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लीजिए सेक माइनस 120 डिग्री ये ले लिया हमने, क्या लिया हमने, सेक माइनस 120 डिग्री। तो अभी अभी आपने फॉर्मूले में क्या सीखा है कि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यही सीखा है। तो क्या मैं सेक माइनस थीटा को पहले सेक थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? और इसको लिखने के बाद आपको पता है कहानी क्या चलेगी, आप इसको 120 को 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो, फिर उसके बाद सेम कहानी, हां जी 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड, सेकंड में सेक की वैल्यू नेगेटिव, 180 है चेंज नहीं होगा 60, सेक 60 की वैल्यू जल्दी बोलो 2, कितनी हो गई 2, सॉरी 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 हाँ 2, ठीक है। तो इस तरीके से कितने आ गया इसका आंसर, माइनस का 2। अच्छा अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया होता, क्या मान लो ये दिया होता कॉट माइनस 150 डिग्री, ये दिया होता कॉट माइनस 150 डिग्री, तब आप क्या करते भाई, तब तो और सिंपल है, पता करना क्या है, पहली बात तो आपको लिखना है कॉट माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, हां कि ना, समझ रहे हो? अच्छा ये माइनस किसकी वजह से आया है, ये माइनस इसको ओपन करने की वजह से आया है, क्योंकि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा, यही बात है ना बच्चों? अच्छा उसके बाद की कहानी आती है ये कि कॉट, क्या मैं 150 को 180 माइनस 30 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अच्छा प्यारे बच्चों अब जरा यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना इसको। अच्छा ये वाला माइनस दिख रहा सभी को, तो इस माइनस को आप पहले लिख लो, मेरी बात समझ में आ रही है, उसके बाद बनाओ ब्रैकेट, क्या बनाओ ब्रैकेट, क्यों बनाओ ब्रैकेट, क्योंकि उसके बाद आपको पता क्या सॉल्व करना है, कॉट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड, सेकंड में कॉट की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। फिर से समझो ये वाला माइनस कौन सा है, जो पहले से ही है, और ये वाला माइनस किसकी वजह से आया, यह आया सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, अब 180 है तो नो चेंज, और ये 30, माइनस माइनस प्लस का कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो बोलो रूट 3, कितनी होती है रूट 3। तो इसको जल्दी से समझो और फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा सभी बच्चों को? ठीक है देखो एक क्वेश्चन और देखो,
ये देखो। हाँ जी, क्या क्या ले, चलो आप बताओ। अच्छा, 10 कॉट। अरे नहीं, चलो ठीक है, जाओ भाई। तुम 10 में जाना चाहते हो? 10 10। और फिर और कितने? अच्छा ठीक है, -225 डिग्री। लो भाई। हाँ जी, मैसेज कर करके अपने अपने क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, मतलब कितने खुश हैं कि हाँ जी ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है। ठीक है, क्या मतलब, एक से एक कमेंट लिखते हैं, वाह भाई वाह। हाँ, 10 -225 डिग्री। ठीक है जी, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आ गए, लेकिन प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से पहले इसको सॉल्व करते हैं, -225 डिग्री। तो देखिए, -225 डिग्री है ना, तो 10 -225 डिग्री, तो बच्चों 10 -थीटा हुआ ना, और 10 -थीटा क्या होता है? माइनस का 10 थीटा। सही बात है। अच्छा, ये माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा बच्चों, 10 ये रहा, 225 को खोलो क्या बनेगा? 180 प्लस में 45। और प्यारे बच्चों 180 प्लस थीटा क्या होता क्या है? 180 प्लस थीटा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और बच्चों माइनस ये अपनी जगह पे है, ठीक है, माइनस ये अपनी जगह पे है, लेकिन लेकिन 10 की वैल्यू कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा पॉजिटिव। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव किसकी वजह से मिला है? ये नेगेटिव इसकी वजह से मिला है, समझ रहे हो मेरी बात को? और अब जो नेगेटिव नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो 180 में नो चेंज, 10 का 10 और ये 45, तो -10 45 की वैल्यू 5। क्लियर? ठीक है, एक और देखिए। अच्छा, एक बच्चे ने और लिखा है मैसेज में, ये देखिए, इसने लिखा है कि सर कॉसेक, ठीक है, कॉसेक उसने बोला है 315 डिग्री। ठीक है, 315 डिग्री, ठीक है, तो ये लीजिए, इसको मैं लिख लेता हूँ -315 डिग्री। ठीक है, अच्छा, कॉसेक -315 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई बहुत टफ तो है नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? माइनस का कॉसेक 315 डिग्री, यही है। अच्छा, 315, तो भाई ये माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, कॉसेक 315 को क्या मैं 360 -45 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, 360 -45 क्वाड्रेंट कौन सा होगा बच्चों? फोर्थ। अच्छा, तो ये माइनस अपनी जगह पे, ठीक है, ये माइनस अपनी जगह पे, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और प्यारे बच्चों 360 होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा, और ये क्या आ गया? 45। तो क्या बन गया ये? माइनस माइनस प्लस का कॉसेक 45, और कॉसेक 45 क्या होता है? √2। क्या होता है? √2। तो बच्चों इतना सिंपल सा काम आप लोगों को करना है, और इस तरह के अब जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो वो सब करने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप सभी को वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। हाँ जी, cos 120 डिग्री, sin 150 डिग्री, 10 -150 डिग्री, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? cot -120 डिग्री, ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई? sec -225 डिग्री, और क्या कर सकते हैं? sin -240 डिग्री, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? cosec, ठीक है, cosec -240 डिग्री, ये भी कर लो, वैसे तो ये इसका उल्टा ही कर दोगे आप। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, एक और ले लेते हैं, कॉसेक 300 -330 डिग्री, ठीक है, और 10 माइनस, और क्या ले सकते हैं? और कोई एंगल बताओ, 180 प्लस 30, 230 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो अगला पड़ाव है, तो जरा उसको भी समझते हैं फटाफट। ठीक है, तो जल्दी से
इसको सॉल्व कर लिया है आपने मेरे, ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर देखिए मैं आपको अब जो लेवल बढ़ाने जा रहा हूं वो लेवल का नाम क्या है, जरा सुनेंगे ध्यान से। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए आपके सामने वो सारे के सारे 360 से छोटे थे, याद है, देख भी लिया आपने। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अब मैं एंगल हजारों की संख्या में भी लेके जा सकता हूं। किसकी संख्या में लेके जा सकता हूं? हजारों की संख्या में, ठीक है, कि भाई अगर 1500 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1200 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, 800 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं हर लेवल को अब टच करने जा रहा हूं, तो ध्यान से बच्चों इसको नोट कर लो और फिर जो अगला समझाने जा रहा हूं उसको समझो, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जो एंगल्स हजारों की संख्या में चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब तक एंगल कितने थे? 360 से नीचे नीचे, और अब एंगल कहां जाने वाले हैं? 360 तो छोड़ो, उनसे भी ऊपर। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक टेबल याद करवाता हूं, जैसे बचपन में टेबल याद करते थे, 360 1 जा 360, 360 2 जा 720, 360 3 जा 1080, 364 जा 1440 और 365 जा 1800। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, 360 का टेबल है और इतना ही लर्न करना है आपको। अब इसमें करना क्या है वो देखेंगे। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया साइन 765 डिग्री, कितना आ गया बच्चों? साइन 765 डिग्री, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है कि भाई साइन 765 डिग्री है कितना। तो भाई अब ये तो बड़ी समस्या हो गई यार, अब तक तो चलो ठीक है, हमारे पास कुछ भी आता था एंगल हम सॉल्व कर देते थे, बात खत्म हो गई, लेकिन अब कैसे करें? तो ठीक है जी, लीजिए, कुछ नहीं करना है, इस 765 को उठाओ यहां रखो और 360 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 360 से। हां जी, 362 जा कितना होता है जल्दी बताओ? 720 लेस होके कितना आया? 45। अच्छा, अब 10th क्लास में आप लोग एक चीज सीख गए थे, 2R, याद आया? क्या याद आया? कि जो A होता है वो B मल्टीप्लाई Q प्लस में R के बराबर होता है, याद आया? यानी कि ये बीच वाला जो होगा वो इन दोनों का मल्टीपल और प्लस में रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अच्छा, जरा लिखना बच्चों इसको, 360 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में कितना है? 45, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जरा इस चीज को यहां पे समझो, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, हाँ कि ना? अच्छा बच्चों, 360 का मतलब होता है एक राउंड घूम के आ जाओ, यही होता है ना, आपने यहां से ऐसे शुरू किया, यहां पे घूम के यहीं आ गया, 360 होता है, यही होता है। अच्छा, तो 360 इंटू 2 मतलब क्या हुआ? यहां से चले एक राउंड, फिर यहीं से दोबारा चले दूसरा राउंड, तो यहीं वापस पहुंच गए, तो 360 के कितने राउंड मार लिए हमने? 2 राउंड। उसके बाद क्या हो रहा है? प्लस कितना? 45। अगर इस पॉइंट से मैं 45 प्लस करूंगा तो हद से हद यहीं पे आऊंगा, सही बात है कि नहीं है? इस पॉइंट से जब मैं 45 ऐड करूंगा तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अच्छा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। यहां पे दिख क्या रहा है? 360, नो चेंज, 45 1/√2, तो इसका मतलब साइन 765 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है वैल्यू? वो वैल्यू होती है भाई 1/√2। नहीं आया समझ? एक और, टेन 750 डिग्री, टेन 750 डिग्री लीजिए। हाँ जी, आप क्या करेंगे? पहले 750 को 360 से
डिवाइड, ठीक जी। तो प्यारे बच्चों हम सॉल्व कर रहे थे 10 750 को, तो कैसे किया हमने, 360 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स में 720, कितना लेस हो गया आया 30। अच्छा तो मैंने अभी अभी बताया प्यारे बच्चों कि कैसे लिख सकते हो आप इसको, 10 360 मल्टीप्लाई में कितना बच्चों 2, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 30, तो ये आ गया। अच्छा क्या समझा हमने बच्चों, ये देखिए 0 90 180 270 360, यही है ना भाई, 360 इनटू 2, मैंने अभी अभी क्या बताया भाई, 360 का मतलब होता है एक चक्कर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जब 2 लिख गया तो इसका मतलब एक चक्कर तो ऐसे है ही और फिर दूसरा भी चक्कर ऐसे ही है यहीं पे, 2 चक्कर हो गए। अच्छा 2 चक्कर मार लिए हमने, लेकिन उसके बावजूद भी प्लस कितना हो रहा है 30, और अगर हम प्लस 30 बढ़ाते हैं इसमें आगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कंटेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू भी क्या होती है पॉजिटिव, लेकिन 360 है तो चेंज तो होगा नहीं 10 और ये 30, तो बच्चों 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है ठीक। तो मैं और भी आगे कराता हूं इसको, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो चलो इसको मिटा दूं ना, इसको मिटा देता हूं, ठीक है थोड़े बड़े एंगल पे जाते हैं हम। अब क्या ले रहे हैं एंगल, मान लीजिए मैंने ले लिया एंगल, एंगल एंगल कितना ले लें, हां जी कॉसेक 1110 डिग्री, 1110 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा अब 1110 डिग्री है तो 1110 डिग्री को कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 1110 किससे डिवाइड करना है 360 से, करना 360 से ही है, इजी रहेगा, करने को देखो 90 से भी कर सकते हैं लेकिन इतने लफड़े में कौन जाएगा, 360 110 कितनी बार में जा रहा है बच्चों, क्या 3 बार में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लो जी 3 बार में 1080 लेस होके 30 बचा, ठीक है। फिर वही वाली बात, कैसे लिखेंगे इसको, 360 into 3 और प्लस में 30, प्लस में 30। अच्छा अब 360 into 3 कितने चक्कर बोले इसने, 360 के 3 चक्कर, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, वापस इसी पॉइंट पे आ गए, अब ऐड हो रहा 30 तो ऐड होके तो यहीं पे रहेगा, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो क्वाड्रेंट तो कौन सा हुआ फर्स्ट, और फर्स्ट में कॉसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव, 360 दिखाई दे रहा है नो चेंज, और 30 कॉसेक 30 की वैल्यू बोलो 2 आंसर, तो इतना सिंपल सा है, समझ रहे हो। एक और देखते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं भाई सेक, ठीक है सेक 1485 डिग्री, सेक 1485 डिग्री, ठीक है तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत सिंपल भाई, पहले 1485 को डिवाइड कर लो आप, 1485 को डिवाइड करो किससे, 360 से, प्यारे बच्चों कितनी बारी में जाएगा 4 टाइम्स में, तो 1440 बचा कितना 45, ठीक है तो बताओ कैसे लिखेंगे इसे, 360 into 4 plus 45, ठीक है। अच्छा 360 के कितने चक्कर, 1 2 3 4, 4 होने के बाद क्या ऐड करना है, कितना 45 ऐड कर दोगे तो यहां आ जाएगा, रहेगा मतलब किसमें, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सेक की वैल्यू पॉजिटिव, 360 है नो चेंज 45, और 10 सेक 45 कितना होता है √2, कितना होता है √2, तो देखो कितना सिंपल है। तो बच्चों बस आपको थोड़ा सा यहां पर सोचना है, समझ रहे हो, थोड़ा सा सोचना है और इस तरीके से करके आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर ये तो हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्या जादू है, आप ना सेकंड के लिए सॉल्व करा रहे हो, ना थर्ड के लिए सॉल्व करा रहे हो, ना फोर्थ के लिए सॉल्व करा रहे हो। तो बच्चों आपको मैं एक खास बात बताता हूं, जब आप 360 से सॉल्व करोगे ना तो आप सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट में जा सकते हो, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, समझ रहे हो। फर्स्ट में कैसे गए आप वो मैंने दिखा दिया, अब फोर्थ में कैसे जा सकते हो वो मैं दिखाने जा रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, फोर्थ में कैसे जा सकते हो
वो मैं दिखाने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आखिरकार आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए अब प्यारे बच्चों, आप जरा फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से समझिए कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से डिवाइड करके कैसे जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया कॉट 1050। मैंने क्या एंगल लिया? कॉट 1050। ठीक है, कॉट 1050 में, हाँ जी, तो 1050 है। चलिए अब जरा बच्चों डिवाइड करते हैं। अच्छा देखो, जब बच्चों आप 1050 को 360 से डिवाइड करोगे तो बनेगा क्या बच्चों? अच्छा, आप या तो दो बार में लेके जाओगे, हाँ जी दो बार में लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ 720, बचा कितना 033। अरे भाई ये तो रिमाइंडर 330 आ गया यार, जबकि मैंने क्या बताया था आपको कि ऐड हो चाहे माइनस हो 90 से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐड हो चाहे माइनस हो आप 90 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन भाई 330 तो यार माइनस से भी ज्यादा और प्लस में भी बहुत ज्यादा आ गया, सही बात है कि नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो प्यारे बच्चों ऐसी सिचुएशन में आप पता क्या करोगे, आप एक नंबर आगे डिवाइड करोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, एक नंबर आगे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, कैसे जरा देखो। हाँ जी, तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि आप जो 330 इतना बड़ा गैप आ रहा था, आप ये ना कीजिए, आप क्या कीजिए, एक नंबर, भाई दो पे जा रहा था ना, हम तीन पे लेके जाएंगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अरे तो सुनो भाई, तीन पे लेके जाएंगे तो कितना आएगा 1080, लेस करोगे तो माइनस का 30 आएगा, हाँ कि ना? लेस करोगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 30 आएगा। और जब माइनस का 30 आ गया, रूल वही लगाना है आपको, क्या कॉट 360 मल्टीप्लाई में 3, बस प्लस की जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस का 30। क्लियर हो रहा है? अब आ जाइए यहां पे, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, क्या कोई दिक्कत मेरे बच्चों को? हाँ जी, कितने से मल्टीप्लाई, तीन से, कितने चक्कर, तीन चक्कर, एक दो तीन, हो गए तीन चक्कर। लेकिन बच्चों अब क्या हो रहा है, अब माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे, और पीछे में कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन 360 है तो चेंज नहीं होगा, और 30, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। आंसर आपके सामने है, इजी है, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा टिप्स पे। एक और लेते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं, एक और लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लें भाई, क्या ले लें, साइन, साइन कितना ले लें भाई, 1380 डिग्री, 1380 डिग्री। अब 1380 डिग्री है, डिवाइड करके देखिए, हाँ जी 1380, हाँ जी किससे करेंगे, 360 से, 360 कितनी बार में जा रहा है, तीन बार में, 1080 लेस करेंगे भाई, ये तो 300 आ गया, ये तो कितना आ गया, 300 आ गया, और 90 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। करेंगे क्या, 1080, सॉरी 1380 किससे, 360 से, क्या करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो कितना आया 1440, लेस करेंगे माइनस का 60 हुआ। तो साइन साइन 360 गुने 4 माइनस 60, तो कितने चक्कर 360 के, चार चक्कर, एक दो तीन चार, पहुंच गए। अब लेस होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा तो पीछे आएंगे ना, पीछे आएंगे तो ये रहा भाई, तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव, 360 है नो चेंज, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू माइनस √3/2 है, सिंपल। तो इस तरीके से अब आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको 360 से डिवाइड करना है, उसे एक पीछे लेके जाओ या तो एक आगे लेके जाओ। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्यारे बच्चों आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, और मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अच्छा अभी इसका एक टाइप बाकी है, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ ये,
ठीक है, एक टाइप बाकी है, लेकिन अभी बस मैं इसको यहीं रोक रहा हूं, कुछ क्वेश्चन देके आपको, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को कीजिए, इसकी एक क्लास और ली जाएगी, फिर आपका 3.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, फिर ये खत्म करते हैं। चलिए, हाँ जी, वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, 10 बार देखना पड़े, देखो, ठीक है? नहीं समझ में आए, मुझे मैसेज करो, ठीक है बच्चों? और मैसेज करने के बाद जितने भी डाउट हैं, 100 डाउट हैं, 100 डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन आप लोगों को सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूं। एक एक बच्चा मुझे टॉपर्स की लाइन में चाहिए, ठीक है? और वो भी कैसे, हेडक लेके नहीं, एंजॉय करके, इतना तगड़ा एंजॉय करना चाहिए, अपना अपनी पढ़ाई को ऐसा नहीं, बोझ नहीं समझना है, उसको एक खेल समझना है। जैसे क्रिकेट में छक्का मारने के बाद अलग से कहते हो ना, हाँ मैंने आज छक्का मारा, ये देख भाई, अब जिस मर्जी को बुला ले। तो बस वही वाली बात होनी चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखा, चुटकियों में सॉल्व किया, इसका मतलब क्या, आपने पहली बॉल पे छक्का मारा, समझ रहे हो? तो इसलिए बच्चों मुझे एक एक बच्चा ऐसे फौजी बनाना है, ऐसा उसको ब्रिलियंट बना देना है कि कल को जब वो अपने करियर के लिए स्ट्रगल करने वाली बात ना करे, कहे कि हाँ भाई ये चीज है, लाओ मैं अभी करता हूं, ठीक है? तो आप लोगों को सक्सेस होते हुए देखना मैं हर हाल में चाहता हूं, ठीक है? तो लीजिए, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूं भाई, काफी सारे, तो लीजिए। जैसे 10 1410 डिग्री, कॉट 1140 डिग्री, ठीक है? साइन 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 कितना रख दें, 40, और ये कितना होगा, 1395 डिग्री, ठीक? और फिर कॉसेक 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 1500 डिग्री, ठीक? कॉसेक 1500 डिग्री, और सेक सेक 1750, नहीं 50 नहीं होगा, कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक? 1170 डिग्री, ठीक? और फिर कितना होगा, और कितने, और क्या ले लें, 10 cos 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 cos, कितने चले जाए, 1115 डिग्री, ठीक है? तो ये सारा सॉल्व करो, ठीक है? तो ये सब आपको सॉल्व करने, तो मैंने कितने क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन इधर और 6 7 क्वेश्चन उधर, तो इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए बच्चों, ठीक है? और ये सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में सेंड कीजिए सभी बच्चे। और इसका अगला टॉपिक, यानी इस यही चीज है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, फिर 3.2 आपका खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए, और उसके बाद 3.3 पे आएंगे, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा, एक नंबर। चलिए, तो ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है? चलिए, बाय। 45 और 10:45 की